दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ हिंदी 50 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आते हैं यहाँ पे चैप्टर 10 से। हम लोग जो है पहले ही गद्य खंड कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें टोटल 5 चैप्टर आती है और अभी जो है पदखंड का वीडियो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें भी जो है 6 चैप्टर आती है जिसमें से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं क्या क्या चीज़। तो रहीम का दोहा कंप्लीट है, जीवन का संदेश का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, भारत माता ग्रामवासिनी का भी वीडियो अपलोड है, हिमालय का संदेश हम लोग पहले ही देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर इस चैप्टर को काफी अच्छे से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद जो है आपको अगले दिन जो कल वीडियो मिल जाएगी जीवन का झरना तो इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब हमारा जो है गद्यखंड और पदखंड दोनों कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आपको अगर आप लोग जो है ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से वो सब वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो है सुंदर का ध्यान कहें सुंदर को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे जिससे जो है आप लोग समरी बना पाओगे, उसके बाद क्या चीज़ देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो भी इस चैप्टर से जो भी कुछ बनते हैं वो सभी कुछ आज के इस वीडियो में देख लेंगे। फिर जाके बस आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तब जाके आपको सारी वीडियोस मिलती रहेगी। और अभी जो है या जब ये जो कंप्लीट हो जाएगी हिंदी 50 मार्क्स, फिर हम लोग जो है इंग्लिश 50 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे तो वो भी जो है ऐसे ही चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जो है ऐसे ही सभी कुछ मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग बस आगे चलते हैं, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाती है, गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को हुआ था, कब हुआ था, कोशिश करिए सभी को याद करते हुए चलिए। क्या है यहाँ पे, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को हुआ था। और अगला क्या है, गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म बेतिया पश्चिम चंपारण में हुआ था, पश्चिमी चंपारण में हुआ था, कहाँ हुआ था, बेतिया के पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे बेतिया में जो हुआ था पश्चिमी चंपारण में। और अगला पॉइंट क्या है, नेपाली जी का आरंभिक रचना, नेपाली जी का आरंभिक रचना पर छायावाद का प्रभाव था, नेपाली जी का आरंभिक रचना पर छायावाद का प्रभाव था। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, नेपाली जी का निधन 17 अप्रैल 1963 को भागलपुर में हुआ था। तो फिर यहाँ पे आगे पॉइंट क्या आ जाती है, गोपाल सिंह नेपाली जी के प्रमुख कविता हैं उमंग, रागनी, पंछी, नीलिमा, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारी, ये सब जो है गोपाल सिंह नेपाली जी की यानी नेपाली जी की ये सभी जो है रचना है, आप लोग ये सब कविता है आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अति लघोत्तरीय प्रश्न देखते हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अति लघोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाती है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, मानव को ईश्वर ने क्या क्या दिया है, मानव को ईश्वर ने ज्ञान, ध्यान, साहस और सौंदर्य दिया है, मानव को ईश्वर ने ज्ञान, ध्यान, साहस और सौंदर्य दिया है। दूसरा यहाँ पे क्या है, किसके अरमानों की कोई सीमा नहीं होती। तो अगला क्या है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगी इसका, किसके अरमानों की कोई सीमा नहीं होती, मानव के अरमानों की कोई सीमा नहीं होती है, ये हो गई हमारा दूसरा प्रश्न। अभी जो है यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, नेपाली जी की आरंभिक रचना में किस वाद का प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे हो जाएगा छायावाद का प्रभाव था उसके उनके जो है आरंभिक रचना में। और जो है आगे क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो नेपाली जी का जन्म जो है 11 अगस्त 1911 को बेतिया पश्चिमी चंपारण में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन में है यहाँ पे, नेपाली जी ने मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा किसे कहा है। तो मन के भगवान को, किसके, मन के भगवान को। अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ जाती है, चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता किसकी रचना है, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक का ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली जी की रचना है, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता किसकी रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगी गोपाल सिंह नेपाली की। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इसमें क्या है, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है, हिमालय का संदेश, जीवन संदेश, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, जीवन का झरना। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, ऑप्शन सी सही हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीन और क्वेश्चन, इसमें क्या है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी तीन और क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगी। यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन क्या है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ हुआ था।
तो राइट आंसर यहाँ पे चार नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतिया में हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। फिर हम लोग पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, नेपाली जी का संबंध हिंदी काव्य के किस युग से अधिक रहा है। तो पांच का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर छायावादी से। गोपाल सिंह नेपाली जी का संबंध हिंदी काव्य के किस युग से अधिक रहा है, उत्तर छायावादी से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर ऑप्शन सी। और छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, नेपाली जी ने लगभग कितने फिल्मों में गीत लिखे। नेपाली जी ने लगभग कितने फिल्मों में गीत लिखे, तो यहाँ पे छः नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 54। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ पे क्या है, नेपाली जी की कविता संग्रह में कौन नहीं है। नेपाली जी की कविता संग्रह में कौन नहीं है, उमंग, नीलिमा, रेणुका और हिमालय ने पुकारा। तो यहाँ पे सात का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेणुका, ऑप्शन सी सही हो जाएगी। आठ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, नेपाली जी की रचना कौन सी है, नेपाली जी की रचना कौन सी है। तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंछी। नेपाली जी की रचना कौन सी है, पंछी। और अगला देख लेते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, नाइन नंबर क्वेश्चन में है, गोपाल सिंह नेपाली की पुस्तकें कौन सी है, गोपाल सिंह नेपाली की पुस्तकें कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, आप लोग देखिए और इसमें से बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कौन सा सही हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए कमेंट करिए और फिर जो है हम आपका इसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग आप आंसर सोच लिए होंगे, और तो अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो लोग दिए हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली की पुस्तकें कौन सी है, तो उमंग, रागिनी, पंचमी और हिमालय ने पुकारी, ये सब जो है गोपाल सिंह नेपाली की पुस्तकें हैं। अभी हम लोग दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, गोपाल सिंह नेपाली के अनुसार मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा कौन है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मन के भगवान, मन का भगवान। गोपाल सिंह नेपाली के अनुसार मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा कौन है, सत्य, अहिंसा, दया, मन का भगवान। तो यहाँ पे मन का भगवान हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता ने में किस पक्षी के गाने को अधिक सुंदर बता लाया है। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता में कवि ने किस पंछी के गाने को अधिक सुंदर बतलाया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुलबुल, ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर कविता में कवि ने किस पक्षी को बोली को सुंदर और मधुर बतलाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलबुल। हम लोग यहाँ पे 12 क्वेश्चन देखे हैं ऑब्जेक्टिव का, फिर हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, फिर जाके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए। तो अगला जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग जीवन का झरना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और आज की इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि वो लोग भी देख पाए। तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।